रूस ने पिछले साल अगस्त महीने में दुनिया में सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन लॉन्च कर सबको चौंका दिया था और अब एक बार फिर उसने कुछ इसी तरह का काम किया है। दरअसल रूस ने जानवरों के लिए भी कोरोना की वैक्सीन बना ली है। इसे कोरोना वायरस के खिलाफ पशुओं के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के रूप में दर्ज कराया गया है। कृषि सुरक्षा की देखभाल करने वाली संस्था ने ये दावा किया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस में कृषि से संबंधित संगठन रूसिल खोजना डायजोर के सलाहकार यूलिया मिलानो ने कहा है कि वैक्सीन पहले से ही उपलब्ध है, इसे खरीदने के लिए ऑर्डर दिया जा सकता है। जानवरों की इस वैक्सीन का नाम कॉर्निवैक कोव रखा गया है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जानवरों की इस कोरोना वैक्सीन का विकास रूसिल खोजना डायजोर की एक यूनिट ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कृषि संगठन रूसिल खोजना डायजोर ने बताया कि इस वैक्सीन की इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता 6 महीने तक रहती है। ऊदबिलाव, लोमड़ी, बिल्ली और कुत्ते पर इस वैक्सीन का परीक्षण किया गया है और इस दौरान पाया गया है कि इसने कोरोना वायरस के खिलाफ उन जानवरों के शरीर में एंटीबॉडीज पैदा की हैं। इस वैक्सीन का परीक्षण पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ था। हालांकि वैक्सीन निर्माता फिलहाल इसका विश्लेषण कर रहे हैं। रूसिल खोजना डायजोर ने बताया है कि जानवरों की इस पहली कोरोना वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन अगले महीने तक शुरू हो सकता है। रूस के वैज्ञानिकों का दावा है कि वैक्सीन कोरोना वायरस में आने वाले बदलाव को भी रोक सकती है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।